नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। आज की ये वीडियो BSc के स्टूडेंट्स के लिए बनाई हुई है। आज मैं BSc के केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स के लिए नोट्स लेकर आई हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे पास आज की यूनिट है एरोमेटिक कंपाउंड, एल्किल एंड एरिल हैलाइड। ये आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की 5th यूनिट है। इस यूनिट में हम 3 कंपाउंड एरोमेटिक, एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड के बारे में, उनकी रिएक्शंस, उनके मेथड ऑफ प्रिपरेशन, उनकी प्रॉपर्टीज़, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। तो ये नोट्स मैंने प्रॉपर BSc के लिए बनाए हुए हैं, इसलिए यदि आपको इस यूनिट के नोट्स प्रॉपर पढ़ने हैं तो आप PDF की लिंक डाउनलोड कर लें। वहाँ से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दी हुई है, तो वहाँ से आप इसकी PDF डाउनलोड करके खुद से पढ़ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इन नोट्स में मैंने आपको कौन कौन से टॉपिक दिए हुए हैं। सबसे पहले तो इसमें है बेंजीन की संरचना। इस बेंजीन के ऊपर आपका शॉर्ट नोट आ चुका है प्रीवियस ईयर में, तो वो मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आप ज़रूर देख लें, क्योंकि वहाँ से जो क्वेश्चंस आते हैं उनके आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं BSc में। BSc में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, इसलिए उन क्वेश्चंस को आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। इसके अलावा आप इन नोट्स को पढ़ लीजिए, यानी आपको केवल BSc में दो चीज़ पढ़नी है, मेरे बनाए हुए नोट्स और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। मैं गारंटी के साथ कहती हूँ आपका पूरा पेपर आपको मिल जाएगा, क्योंकि इन नोट्स के बाहर से कोई क्वेश्चन ही नहीं आने वाला। ये पूरा सिलेबस कवर अप करते हुए नोट्स बनाए हुए हैं मैंने यहाँ पर। इसमें इस चैप्टर का, इन नोट्स में इस चैप्टर का पूरा सिलेबस कवर अप किया हुआ है। जो जो रिएक्शंस इम्पॉर्टेंट है सारी इन नोट्स में मैंने लिखी हुई है, और उनको बता भी दिया है कि कौन कौन सी रिएक्शंस आपकी इम्पॉर्टेंट है, जिन्हें आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। एकदम प्रॉपर तरीके से ये नोट्स मैंने हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए बनाए हुए हैं। इंग्लिश मीडियम के लिए भी मैंने पहले ही सीरीज़ डाल दी है। अब ये सीरीज़ पूरी हिंदी मीडियम वालों के लिए चल रही है। पहले मैं BSc इंग्लिश मीडियम के सारे नोट्स आपको प्रोवाइड करवा चुकी हूँ, अब मैं आपको BSc से जुड़े हुए हिंदी मीडियम के नोट्स प्रोवाइड करवा रही हूँ। तो आप सारे नोट्स आपको BSc के मेरे चैनल पर मिल जाएंगे, और इन नोट्स से अच्छे नोट्स आपको कहीं नहीं मिल सकते, इस बात की मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ। क्योंकि ये नोट्स एकदम प्रॉपर तरीके से BSc के लिए ही बनाए हुए हैं, जिसमें BSc से जुड़ा हुआ पूरा सिलेबस कवर अप किया हुआ है, ताकि कोई भी क्वेश्चन आपका इन नोट्स से बाहर से ना आ पाए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए तो ये काफ़ी बेस्ट नोट्स हैं। सारी इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस इसमें दी हुई है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ज़रूर कर लें, ताकि उनसे आपको पता चले कि किस टॉपिक से किस तरह का क्वेश्चन आ रहा है। अब ये जो इसमें वर्चुअल रिडक्शन है, ये वाला जो टॉपिक है ये इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसे ज़रूर करें अच्छे से समझ के। समझना आपका काम है, नोट्स प्रोवाइड करवाना मेरा काम है। तो मैं आपको बेस्ट नोट्स प्रोवाइड करवाऊंगी, और पढ़ना आपको खुद से पड़ेगा BSc में। अब आप तैयार हो जाइए मेरे नोट्स के साथ, क्योंकि अब आपकी तैयारी पूरी हो जाएगी। आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नोट्स की पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, केवल इन नोट्स को पढ़ लीजिए, आपका पूरा BSc का सिलेबस कवर अप हो जाएगा इन नोट्स में। तो सारे नोट्स आप डाउनलोड कर लें, खुद से पढ़ें। समझाने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन प्रॉपर तरीके से नोट्स आपको मिलना बहुत ज़रूरी है। तो वो आपको मैं अपने चैनल पर प्रोवाइड करवा रही हूँ। फिर सेकंड पार्ट इसमें स्टार्ट हो गया एल्किल हैलाइड। फर्स्ट पार्ट आपने पूरा देख लिया ऊपर, उसमें मैंने सारे इम्पॉर्टेंट मार्क कर रखे हैं। सेकेंड पार्ट इसमें स्टार्ट हो गया आपका एल्किल हैलाइड, तो उसकी सारी इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस यहाँ पर दी हुई है। एल्किल हैलाइड में दो टाइप की आपकी रिएक्शंस होती हैं, SN1 एंड SN2। तो दोनों को यहाँ पर पूरी स्टेप बाय स्टेप ग्राफ के ज़रिए और इनकी रिएक्शंस के एग्जांपल देते हुए समझाया हुआ है। तो आप इन नोट्स को पढ़ के समझ सकते हैं, आपको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बहुत ही सरल भाषा का प्रयोग किया गया है इन नोट्स में, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए एक एक रिएक्शन, एक एक मैकेनिज्म
रिएक्शन के साथ उनकी मैकेनिज्म भी दी हुई है ताकि कौन सी रिएक्शन किस तरह हो रही है सारी अच्छे से आप समझ लें और अच्छे से लिख कर आएँ। बीएससी में जितना अच्छा लिखोगे उतने अच्छे मार्क्स। तो यहाँ पर प्रॉपर तरीका दिया हुआ है कि कौन से क्वेश्चन को आपको किस तरीके से खोल कर समझा कर लिखना है, तो वो पूरा पैटर्न आप यहाँ पर इन नोट्स में देख सकते हैं। एकदम प्रॉपर तरीके से वेल मेंटेन कलरफुल पेन से एक एक हेडिंग अलग अलग सब टॉपिक्स की समझाई हुई है, लिखी हुई है यहाँ पर। तो प्लीज़ आप इन नोट्स को डाउनलोड करें और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको सारे नोट्स मिलते रहें। मैं एक एक करके आपको सारे नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगी बीएससी के। इसके अलावा आपको जिस भी चैप्टर के नोट्स चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता दें, मैं आपको उस चैप्टर के नोट्स यहाँ पर प्रोवाइड करवा दूंगी। और ये आपका इस चैप्टर का, इस यूनिट का पूरा नोट्स ख़त्म होते हैं। तो यहाँ पर ये लास्ट में जो इम्पोर्टेंट है, जैसे बीएससी, इसके ऊपर एक शॉर्ट नोट आ चुका है प्रीवियस ईयर में। यहाँ पर ये जो डीडीटी था इसके ऊपर भी आ चुका है शॉर्ट नोट में। इसकी स्ट्रक्चर आ चुकी है, डायरेक्ट स्ट्रक्चर भी आपको याद करनी है, जो इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जैसे डीडीटी का, बीएचसी का, क्लोरल, वारगैस, ऐसे जो इम्पॉर्टेंट मेन है उनके तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूले और स्ट्रक्चर याद होनी चाहिए क्योंकि शॉर्ट मार्क्स में इनकी स्ट्रक्चर्स आ सकती है। इसके अलावा जितनी भी नेम रिएक्शन है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेम रिएक्शंस इम्पॉर्टेंट होती हैं, तो वो आपको ज़रूर करनी है, नेम रिएक्शंस बिल्कुल भी ना छोड़ें। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।